हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि स्पाइक एव स्पाइकलेट पुष्प कर्म में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादपों में आकारिकी। तो इस प्रश्न में हमें स्पाइक व स्पाइकलेट पुष्पकर्म में अंतर पूछा गया है, जो कि दोनों ही अशिमाक्षी पुष्पकर्म के उदाहरण हैं। अब अशिमाक्षी पुष्पकर्म क्या होता है? अशिमाक्षी पुष्पकर्म इसमें क्या होता है? मुख्य अक्ष में असममित वृद्धि होती है, और जो इसमें पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं। अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, और इसमें क्या होता है? मैं तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, नए पुष्प तो ऊपर की ओर लगते हैं, पुराने पुष्प नीचे तल में रहते हैं। इस तरह से ये असीमित वृद्धि करते रहते हैं। अब इसमें ही पूछा गया है हमारे, और इसमें जो पुष्प व्रंथ होता है वो अशाखित होता है, और व्रंथ अनुपस्थित रहते हैं। तो आगे देखिए, इन दोनों में अंतर हमें बताना है। तो ये हम सारणी बना रहे हैं, यह है स्पाइक और ये है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट जो स्पाइक होता है, ये भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण स्पाइक होता है, इसमें क्या होता है, ये अशिमाक्ष के समान होता है। जो पुष्प जो होते हैं इसके, वो एवरंथ होते हैं। इसका उदाहरण है लौंग, और इसी प्रकार इसमें एक संयुक्त स्पाइक को भी आता है। ये क्या होता है, इसमें जो पुष्प कर्म में पुष्पावली व्रंथ जो होता है वो शाखित होता है। शाखित होता है, और इसमें ये शाखित होता है जिस पर अनेक प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं, और इनका उदाहरण है चोलाई।
तो इसमें क्या होता है, इसमें अशिमाक्ष, ये दोनों अशिमाक्ष के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें जो पुष्प होते हैं वो अवरंत होते हैं। इसका उदाहरण है लौंग, जो कि साधारण स्पाइक होता है। और संयुक्त में क्या होता है, इसमें जो पुष्प वरंत होता है वो शाखित होता है, और इसके अंतर्गत वृंत भी आता है, और इसके पुष्प जो होते हैं एक वृंत पर अनेक प्रकार के पुष्प लगे रहते हैं। अब है असीमाक्ष, इसमें के पुष्प क्रम स्पाइक के समान स्पाइक के समान होता है, लेकिन इसमें भी पुष्प के आधार पर अनेक तुष नीपत्र पाए जाते हैं। जो ये पुष्प नीपत्र पाए जाते हैं उनके अंदर जिसके अंदर सूक्ष्म खुरदरे सहपत्र होते हैं, जिनको लोमा बोलते हैं, सॉरी लेमा बोलते हैं। अब प्रत्येक लेमा जो होती है के कक्ष में पुष्प होता है। जो लेमा होता है, लेमा के अग्र लेकिन लेमा के अग्र लेकिन विपरीत भाग में सहपत्रिका उपस्थित होती है। और ये है उदाहरण, ये उदाहरण है पोएसी कुल का। जिसके अंतर्गत गेहूं आता है, गेहूं की बाली आपने ऐसे देखी होगी इस तरह से, तो इसके अंतर्गत इस तरह से ये ऐसे लगे रहते हैं। ये है गेहूं की बाली की संरचना। तो इसमें हमें दोनों में अंतर पूछा गया था। जो स्पाइक लेट होता है इसमें स्पाइक के समान पुष्पक्रम होता है, और इसमें एक लेमा नामक संरचना होती है जिसके अक्ष में पुष्प लगते हैं और इसके अग्र में, लेकिन इसके जो विपरीत भाग होता है उसमें सहपत्रिका उपस्थित होती है जिसमें गेहूं की बाली बताई गई है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।